अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने कैसे जो गैस पोस्टिंग की लिस्ट है वो बनानी है। पहली वीडियो अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था ऐसी वेबसाइट की हमें लिस्ट बनानी है जिन जो गूगल पर रैंक कर रही वेबसाइट जिनके DA DR 25+ होंगे। अब ये DA और DR है क्या और इनको हमने कैसे फाइंड करना है, ये हम आज की वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि DA, DR और ट्रैफिक है क्या और इनको हमने कैसे फाइंड करना है। अगर पेड टूल है तो आपने उसकी सर्विसेज कैसे लेनी है और उनको कैसे यूटिलाइज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं DA, DR और ट्रैफिक। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने अपनी लिस्ट एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है या जो गूगल पर वेबसाइट रैंक कर रही है वो कौन सी है जिनकी ट्रैफिक मिलियंस में हो या के में हो, ठीक है, और उनका DA DR 25+ हो। आखिर ये DA DR है क्या, तो वो हम आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। इनको फाइंड भी करेंगे और लिस्ट में ऐड कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर बात कर लीजिए DA की, DA होता है डोमेन अथॉरिटी, ठीक है, और फिर DR होता है डोमेन रेटिंग, SS होता है स्पैम स्कोर, और ये ट्रैफिक, ट्रैफिक का तो आपको पता है, मैंने बताया था नंबर ऑफ विजिटर्स, क्या नंबर ऑफ विजिटर्स, कितने लोग उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, ये मंथली चेंज होती रहती है ट्रैफिक हर वेबसाइट की, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लीजिए डोमेन अथॉरिटी की, डोमेन अथॉरिटी होता है क्या। देखिए डोमेन, डोमेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वेबसाइट का नेम होता है ना इसको हम डोमेन भी बोलते हैं। अथॉरिटी, अथॉरिटी का तो आपको पता ही है, ठीक है, कि ये कितने मायने रखती है, ठीक है। अब ये जो डोमेन है, ठीक है, ये कितने मायने रखती है गूगल के ऊपर। देखिए गूगल का जो सर्च इंजन है ना, सर्च इंजन, गूगल के सर्च इंजन में, गूगल के सर्च इंजन पे जो हमारी वेबसाइट है वो किस नंबर पर रैंक कर रही है, इसको फाइंड करने के लिए हम DA और DR का यूज करते हैं। देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो वेबसाइट है वो अच्छी वेबसाइट है, हमें तो तब पता चलेगा ना, मैंने बताया कि जिस वेबसाइट का DA और DR 25+ हो उसको हमने लिस्ट में ऐड करना है। अब ये DA और DR है क्या, मैंने बता दिया, ये दोनों टूल, ये दोनों जो मेथड है ये यूज होते हैं वेबसाइट चेक करने के लिए कि हमारी जो वेबसाइट है गूगल का जो सर्च इंजन है उस पर किस नंबर पर रैंक कर रही हो। देखिए हर एक चीज़ की एक अथॉरिटी होती है कि वो कितनी अथॉरिटी रखती है अपने पास, ठीक है। वैसे ही गूगल के सर्च इंजन पर हजारों वेबसाइट्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वेबसाइट किस नंबर पर रैंक कर रही है या उसका DA DR क्या है, तो हम इसको फाइंड तो बाद में करेंगे लेकिन इसको पहले डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर सबसे पहले तो डोमेन अथॉरिटी की बात कर ले, ये एक टूल है मोज, ठीक है, मोज एक टूल है, उस टूल से हम इसका DA फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये DR है, डोमेन रेटिंग, ये भी वही चीज़ है, दोनों मेथड से हम वेबसाइट को चेक करते हैं उसके स्कोर को कि वो गूगल के किस नंबर पर रैंक कर रही है, लेकिन ये डिफरेंट क्यों है। ये हम मोज एक टूल है वहां से फाइंड करते हैं और ये एक टूल है AHREFS, हैरिस टूल है, ठीक है, यहां से फाइंड करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग DA को फॉलो करते हैं, कुछ लोग DR को। अब हमारे पास क्लाइंट आएगा, कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो बोलेंगे मुझे आपकी लिस्ट में DA चाहिए, ठीक है, कुछ बोलेंगे मुझे वेबसाइट के DR चाहिए, ठीक है। मीन के कुछ क्लाइंट्स DA को फॉलो करते हैं, कुछ DR को। DA DR मैंने बता दिया कि ये 25+ होना चाहिए, ठीक है, वो अच्छी वेबसाइट होती है, उन वेबसाइट को हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ट्रैफिक की बात कर लीजिए, ट्रैफिक होनी चाहिए 1000+, मीन के 1K+ ट्रैफिक होनी चाहिए एक अपने लिस्ट में वेबसाइट्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। अब DA और DR सेम चीज है, उन्होंने बता दिया ये एक स्कोर है, चेक करना होता है हमारी वेबसाइट गूगल के किस नंबर पर रैंक कर रही है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, लेकिन काम इनका एक है। ये DA मोज वालों ने निकाला है, AHREFS वालों ने DR निकाला है, ठीक है। अब ये जो मोज है ये तो फ्री है, DA फ्री में निकल आता है, लेकिन ये DR है ना ये पेड होता है। पेड कैसे होता है, जब मैं स्क्रीन शेयर अभी आपको करूंगा, जब हम इनको फाइंड करेंगे तो तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पेड कैसे होता है, ठीक। अब अगर बात कर ली जाए स्पैम स्कोर की, स्पैम स्कोर क्या होता है, स्पैम स्कोर को हम SSB बोलते हैं, ठीक है, SSS, ठीक है। स्पैम स्कोर का मतलब है कि कितने परसेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पैमिंग हुई है, मीन के डुप्लीकेट कंटेंट है, क्या है डुप्लीकेट कंटेंट, मीन के आपने कितने परसेंट दूसरे लोगों का जो डाटा है वो कॉपी करके अपने ऊपर पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। ये काम तो मैंने बोला हमने हरगिज नहीं करना, हमने हमेशा प्योर कंटेंट के साथ काम करना है, ठीक है,
जो हैंड रिटन आर्टिकल है उनके साथ कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर काम करें, ठीक है। अब ये डुप्लीकेट कंटेंट है, ठीक है, ये एसएस जो स्टैंड कर रहा है ये लेस देन 10 होना चाहिए, ये -10 10 से नीचे होना चाहिए। जाहिर सी बात है जितनी वेबसाइट के ऊपर स्पैमिंग ज़्यादा होगी उसका स्पैम स्कोर उतना ज़्यादा होगा, जितनी स्पैमिंग कम होगी उसका स्पैम स्कोर उतना कम होगा, तो ये लेस देन 10 होना चाहिए। डोमेन अथॉरिटी का भी आपको पता चल गया, डोमेन अथॉरिटी को डीए बोलते हैं, ठीक है। और क्लाइंट आके कुछ लोग मैंने बोला कि कुछ क्लाइंट्स डीए को फॉलो करते हैं, कुछ डीआरबी, इसलिए हमने ये दोनों ही अपने लिस्ट में मेंशन करने हैं, ये हमने दोनों ही अपने लिस्ट में मेंशन करने हैं। ये फ्री टूल से डीए फाइंड हो जाता है, डीआरबी हमें पेड टूल की तरफ जाना पड़ेगा, वो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं दिखाता हूँ इनको फाइंड कैसे करना है, लिस्ट में कैसे ऐड करना है, ठीक है, और इनकी क्या प्राइस है। एसएस का भी पता चल गया और ट्रैफिक का भी आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ विजिटर। यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे डीए पीए चेकर, ठीक है, हम सिंपली इसको हम करेंगे डीए पीए चेकर को, ठीक है, और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी डीए पीए चेकर मोज, जैसे कि मैंने बताया था ये मोज ने अपना एक टूल निकाला हुआ है, तो हम इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। ऐसा एक इंटरफेस आपको शो होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अब लिस्ट में जाएंगे, तो ये ना बल्क में तीन वेबसाइट का डीए हमें चेक करके देता है, डीए और स्पैम स्कोर। हमने दो चीजें यहाँ से फाइंड करनी है, फर्स्ट डीए डीए सेकंड स्पैम स्कोर। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे जो तीन वेबसाइट्स होंगी, फर्स्ट जो थ्री वेबसाइट्स होंगी, ठीक है, तो हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी और यूआरएल सिर्फ कॉपी करने, यहाँ पे लाकर उनके यूआरएल पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है, और इसको चेक कर दिया आई एम नॉट अ रिबोट। यहाँ पे रिकैप्चा आ जाएगा बाय बाय का उन्होंने बोला है, तो हम ये वाले चार इनको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, और बस में हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और वेरीफाई कर देते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया और हम चेक करते हैं इसके डीए डीआर, ठीक है। अब ये हमने तीन वेबसाइट ऐड की थी ये देखें, और दो वेबसाइट कैसे निकाल के दिया था, इसका मतलब ये है कि जो वेबसाइट एक रह गई है या तो वो जो डोमेन है वो एक्सपायर हो चुकी है या उसका जो डीए वो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसी वजूहत भी आपके साथ बन सकती हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये देखिए एसईओ सैंडविच वाली वेबसाइट है और टेंटो रेड वाली, एसईओ सैंडविच और टेंटो, ये थर्ड वेबसाइट है, ये उसका उसने इसका नहीं निकाला। अब ये फर्स्ट पे आ जाता है डीए हमारे, ये देखिए मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आया हूँ, तो डीए के ऊपर क्या लिखा, डोमेन अथॉरिटी, ठीक है, तो हमने इसको पिक करना है और यहाँ पे आ जाता है एसएस, ये देखें एसएस ये देखें, और 1% 1% मीन की ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैंने बताया था जिन वेबसाइट का स्पैम स्कोर 10% से कम होगा, -10 होगा, हमने ऐसी वेबसाइट को अपनी लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट का जो एसओ सैंडविच का जो डीए है वो 38 है, हम लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जाके हम डीए लिखेंगे 38, एंटर कर देंगे, ठीक है, और इसका स्पैम स्कोर कितना है 1%, एंटर कर देंगे। अब हम वापस आएंगे, अब हम चेक करेंगे इसका कितना है, हम 27 है इसका डीए और 1% इसका स्पैम स्कोर है, तो हम इस यहाँ पे 27 इसका डीए करेंगे, एंटर कर देंगे, और 1% जो इसका स्पैम स्कोर है उसको 1 लिख के एंटर कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डीए और स्पैम स्कोर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम इधर से जो भी तीन वेबसाइट्स हैं इनको कॉपी करते हैं, इन तीन वेबसाइट को हमने किया कॉपी, वापस चले गए यहाँ पे, इनको जाके किया इधर से रिमूव, यहाँ पे कर दिया जाके इसके यूआरएल पेस्ट, और फिर कर दिया आई एम नॉट अ रिबोट, और फिर जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसके ऊपर कर दिया हमने सिंपली क्लिक और कर दिया वेरीफाई, ठीक है, ओके हो गया। अब हम करेंगे चेक इसको, अब ये देखिए यहाँ पे भी इसने दो वेबसाइट्स का दिया है इसने, ठीक है, आई थिंक ये दो वेबसाइट्स का ही दे रहा है, थ्री वेबसाइट्स का नहीं दे रहा बल्क में। तो ये जो डीए है इसका 35 है, linkio.com का 35 है, स्पैम स्कोर देखें 1% है, इसका 23 है और इसका 1%। अब इसका 23 आ गया तो इसको हम लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे अभी के लिए, हमने लाजमी लिखना, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्लाइंट साइड भी बन सकती है, जिन वेबसाइट का डीए या डीआर 25 से बिलो होगा, कम होगा, वो हमारी क्लाइंट वेबसाइट्स भी बन सकती है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका स्टार्ट में 35 है लिंक इनका, तो लिंक आईओ का 35 इंटर कर देंगे, और इसका स्पैम स्कोर कितना है 1%, इसको भी इंटर कर देंगे, ठीक है। अब आएंगे कुलदीप के 23 है, तो इसका आएंगे, इसका लिखेंगे 23, इंटर कर देंगे, और इसका लिखेंगे 1% स्पैम स्कोर है, इंटर कर देंगे हम इसको भी, ठीक है। अब ये जो दो वेबसाइट रह गई है इसका अब हम अकेली का चेक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके हम करते हैं इसको पेस्ट,
ठीक है, जिसका इसने आगे नहीं निकाला था, हम चेक करते हैं ये दोबारा निकाल के हमें देता है कि नहीं देता। तो हम इसको करेंगे रिकैप्चे को फिल करेंगे, ठीक है, और इसको करेंगे वेरीफाई, क्रॉस वॉक को करेंगे 2 3, ठीक है, इनको वेरीफाई कर दिया। न्यू इमेजेस चेक करेंगे 1, और वेरीफाई करेंगे, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो गया। अब हम चेक करेंगे, ये देखें इसने निकाल लिया डीए, मीन के ये दो वेबसाइट बल्क में दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीए है वो 54 है और इसका 1% है। कौन सी वेबसाइट है? यूनिक न्यूज ऑनलाइन, 54 है इसका, तो यहाँ पे जाके हम इसका लिखेंगे 54, इंटर कर देंगे, और यहाँ पे हम जाके लिखेंगे 1% इसका स्पैम स्कोर है, एंटर कर देंगे। अब ये हमारी दो वेबसाइट्स और हैं, इनको हम करेंगे, दो दो को करके देख लेते हैं, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे जाके कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे इसका यूआरएल कर दिया पेस्ट, और आई एम नॉट अ रिबोट, फिर ट्रैफिक सिग्नल्स का आ गया, ठीक है। तो हम इसको करेंगे वेरीफाई और इसको करेंगे चेक, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये हमारा। तो ये इसने इसके भी चेक करिए, इसका 45 है और फिर 55 डीए और स्पैम स्कोर 1%, 1%, 45 और 55, तो हम इधर जाके ऐड कर देंगे 45, इंटर करेंगे और 55 इंटर करेंगे, स्पैम स्कोर अब ये 1 है, तो मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियोस में, इसको ड्रैग करेंगे तो ये 1 1 सबके सामने आ जाएगा। ऐसे हमने डीए भी फाइंड कर लिए और हमने स्पैम स्कोर भी एक ही टूल से फाइंड कर लिया, ठीक है, फ्री में। अब हम जाएंगे डीआर और ट्रैफिक की तरफ, उसका मैंने आपको बताया था एएचआरएफ टूल यूज होता है। तो हम एक न्यू टैब में चले गए, यहाँ पे जाके हमने लिखा एएचआरएफएस, ठीक है, इंटर कर दिया। अब पहली वाली वेबसाइट इनकी ओपन कर लेंगे, एसईओ टूल्स एंड रिसोर्स टू ग्रो योर सर्च ट्रैफिक। अब ये पेड टूल होता है, ठीक है, अब मैं इसकी प्राइसिंग पे लेके आपको चलता हूँ, ठीक है। अब ये जो टूल है ना, ये पेड है, ठीक है, ये देखें, ये लाइट वर्जन इसका $99 का, स्टैंडर्ड वर्जन इसका $199 का। इस ये वाला वर्जन ज्यादातर लोग बाय करते हैं $199, क्यों? क्योंकि इसमें बैच एनालिसिस का ऑप्शन आ जाए। बैच एनालिसिस में क्या होता है, ऊपर उसके देखिए मैं कर्सर लेके गया, ऊपर लिखा गया पुल एएचआरएफएस एसईओ मैट्रिसेस अप टू 200 यूआरएल्स, 200 वेबसाइट का ये जो हमें डीआर और ट्रैफिक निकाल के दे देता है, ठीक है, जो उसके एसईओ मैट्रिसेस होते हैं वो निकाल के दे देता है, ठीक है। ये कैसे शो होते हैं, कैसे दिखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इस पे भी डिटेल से बात होगी। अब लोग क्या करते हैं, वो लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है, बाद में फिर इसकी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आपसे डिटेल में एक इसकी वीडियो बनाऊंगा कि लोग आप लोगों को कैसे चूना लगाते हैं, मीन के आप मार्केट में जाएंगे 2,000 की सर्विस मिलेगी, 3,000 की, वो तो सिर्फ $200 का लेते हैं, $200 मतलब 50,000, 50,000 का लेके वो कितने महंगा इसको सेल कर रहे हैं। इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह हम, के लोग इस चीज में भी आपके साथ कैसे स्कैम किया जा रहा है, इंशाल्लाह उसके साथ डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी के हमारा वो टॉपिक नहीं है, अभी के लिए हमने जाना है सबसे नीचे, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बैकलिंक चेकर के नाम से, ये डेली की 10 वेबसाइट्स आपको फ्री उसका डीए निकाल के दे सकता है, ठीक है। तो आपने हमेशा पेड सर्विस लेनी है, एक लिस्ट तैयार करनी है, उसको 200 वेबसाइट के यूआरएल सेंड करने हैं, उसको बोलना है कि यार ये मुझे इसका डीआर और ट्रैफिक निकाल दो, आपको निकाल देगा वो, जो निकाल के आपको एक लिस्ट सेंड करेगा वो कैसी दिखती है, कैसे शो होती है, वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक एक का डीआर निकालना है। सबसे पहले पहली वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किया, मैं याद रखना मैंने बोला एक एक यूआरएल, ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट किया, चेक बैक लिंक्स पे जाएंगे, ठीक है, वेरीफाइंग हो रहा है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसका 63 आ गया, देखिए डोमेन रेटिंग मैंने जो बताया था डीआर कितना है, 63, तो हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, सिंपली यहाँ पे आके डीआर जो इसका है वो 63 लिख देंगे, ठीक है, इंटर कर देंगे, और फिर हम नेक्स्ट वेबसाइट का इधर से यूआरएल करेंगे कॉपी, ठीक है, इसमें जाएंगे, इसमें इसको क्लोज करेंगे और इसके यूआरएल की जगह पे सेकंड यूआरएल कर देंगे पेस्ट, और हम कर देंगे चेक बैक लिंक्स, ठीक है। तो ये फिर वेरीफाइंग हो रहा है, चेक करते हैं कि इसका जो डीआर है, ये देखिए इसका जो डीआर है वो 29 आ चुका हुआ है, ठीक है। लिस्ट में जाएंगे, इस वेबसाइट के आगे लिखेंगे 29 इसका डीआर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे थर्ड वेबसाइट को, इसका यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पे गए, इसको क्लोज किया, और हमने यहाँ पे जाके इसको कर दिया पेस्ट, ठीक
ठीक है, और कर दिया चेक बैक लिंक्स। ठीक है, लोग इसकी जो एएचआरएफ की सर्विस है ना पेड की, वो 2,000 में दे रहे हैं। अब आप खुद लगाएं उनको 50,000 मिला, अगर उनके पास बहुत सारे लोग मीन के 100 या 200 लोग चले गए, ठीक है, तो चले इसका आ गया 63। ठीक है, तो हम इधर जाके लिस्ट में लिखेंगे कि इसका जो है वो 63 है। ठीक है, इसका भी 63 है, इंटर कर देंगे। अब नेक्स्ट का हम करेंगे इसका यूआरएल कॉपी करेंगे, वहां पे जाके कर देंगे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कर दिया पेस्ट और चेक बैक लिंक्स। ठीक है, तो ये अब हमें शो करवाएगा, ठीक है, कि इसका कितना आ चुका हुआ है। इसका भी 69 है माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, तो हम इधर जाके यहाँ पे भी क्या करेंगे, राइट, 69। ये फ्री वाला मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। अब नेक्स्ट का हम इधर से यूआरएल कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको करेंगे क्लोज और इसके यूआरएल को करेंगे स्किप और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है, और कर देंगे चेक बैक लिंक्स। अब ये फिर वेरीफाइंग हो रहा है। ठीक है, और हम इसको सिंपली कर देंगे क्लोज, इसका 10 आ गया है। क्यों? क्योंकि ये अच्छी वेबसाइट्स नहीं है। ठीक है, फिर भी हम इधर इंटर करेंगे। मैंने जैसे कि बताया, हमने अपनी मेहनत जाया बिल्कुल भी नहीं करनी, ये हमारी क्लाइंट साइड भी बन सकती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो DR है वो 25 से कम है, और इसका जो DA 25 से कम है, और जो इसका DR है वो 10 है, मीन कि ये भी 25 से कम है। तो इससे हमें क्या साबित होगा, ये वेबसाइट अच्छी नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब पेड सर्विस लेनी है ना मार्केट से, बहुत ध्यान से आपने लेनी है कि आपके साथ, क्योंकि स्कैमिंग बहुत ज्यादा होती है। पहले तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ कि हमने ऐसे सबके DR फाइंड कर रहे हैं। ट्रैफिक आपको जब आप पेड वाला लेंगे ना, तो उसमें ट्रैफिक भी ये साथ निकाल के देगा। मार्केट में 2,000 की सर्विस आपको मिल रही है, देखे ना, अगर कोई बंदा आपको सर्विस दे रहा है, उसने 50,000 का टूल लिया हुआ है, बाय किया हुआ है, ठीक है, उसका हक बनता है कि वो आपसे पे, आप उसको पे करें। ठीक है, लेकिन इतना भी पे नहीं करें। देखे ना, एक बंदा, उसने टूल आपसे लिया है, कितने का उसने 50,000 का लिया है, वो आप सर्विस कितने में दे रहे हैं, 2,000 में दे रहा, आप उसको 2,000 पे कर रहे हो मंथ का। ठीक है, फिर वो बंदा एक आपको रिप्लाई भी नहीं करता, मीन के बहुत सारी स्कैमिंग होती है। अब आप देखें कि अगर उस बंदे से 100, मीन के अगर उसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उसकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, बहुत सारे बच्चे उससे ले रहे, आप सबको छोड़ो, अगर 100 बच्चा 2,000 रुपीज पे करके उस टूल को लेता है, तो वो 2 लाख रुपया बनता है। ठीक है, 200K बनता है। अब देखिए, 2 लाख में तो 4 टूल आ जाएंगे, ठीक है, एक मंथ के। तो अगर वहां से 1,000 बंदा अगर लेता है, तो वो 20 लाख रुपया बनता है एक टूल से। सोचे वो एक बंदा कितना बिजनेस कर रहा है, उसने एक टूल कितने में लिया, 50,000 में। वहां पे एक बंदे को बिठा दिया कितने में, 10,000 में। ठीक है, उसका टोटल एक्सपेंस कितना आया, 60,000 रुपया, और उसने आपसे कितना मार्जिन, अगर 1,000 बंदा तो नॉर्मली ले ही लेता सर्विस, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसी बंदे की 4-5 लाख फॉलोइंग है, तो उसमें से तो 1,000 बंदा तो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि हर एक को पेड सर्विस की जरूरत होती है। जब बंदा लेगा, तो आप खुद अंदाजा लगाए वो बंदा 20 लाख का बिजनेस कर गया एक मंथ में। ठीक है, तो इस तरह की, अगर वही बंदा 100 रुपये में, 200 रुपये में, 500 में भी कर लो यार, 500 में भी अगर आपको टूल देता है, तो सोचिए उसका तो बजट फिर भी उसने रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर लेना है। तो वो अगर अवाम की कोई भलाई का ही काम कर दे, तो मैं यकीन करें बहुत खुश होऊंगा। और मैं, मेरे पास तो अभी पेड सर्विस में हम नहीं देते, इंशाल्लाह हम पेड सर्विस देंगे, लेकिन हम 2-2,000 रुपया चार्ज नहीं करेंगे आप लोगों से। हम मैक्सिमम जो भी 200, 300, 400, 500 तक, मैक्सिमम 500 होगा हमारा रेट, इससे ज्यादा नहीं होगा। देखिए ना, 2,000 चार्ज करने का फायदा नहीं, क्योंकि मिसाल अगर हमारे पास 100 बंदा आ जाता है, तो हम, हमारा तो इजिली 50,000 रुपया निकल आएगा, ठीक है, 500 के हिसाब से। ठीक, तो अगर हमारे पास इससे ज्यादा आ जाता है, तो फिर मान लेते कि वो हमारी मेन के अर्निंग होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन अब 2,000 रुपया लेके, अब देखे ना, अगर मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होगी, तो अगर मेरे पास 1,000 बंदा आ जाता है, तो मैं 2,000 में टूल सेल करता हूँ, मैं तो 20 लाख का बिजनेस कर गया सिर्फ 50,000 के टूल के साथ। तो इस तरह की स्कैमिंग से थोड़ा सा बचे। देखिए, हर चीज के बारे में थोड़ी रिसर्च किया करें, ठीक है। अगले बंदे को भी सोचना चाहिए, जो हमारे मेंटर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए, यार मैं इतना कमा तो रहा हूँ हर चीज के साथ, तो क्यों ना मैं आवाम को थोड़ा सा रिलीफ भी दे दूं। ठीक है, इसी तरह जो लिस्टिंग लोग लिस्ट सेल करते हैं, गैस पोस्टिंग लिस्ट भी सेल होती है, उसका भी ऐसे ही है। इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल से कंप्लीट वीडियोस बनाएंगे। आज की हमारी क्लास यही थी कि हमने DA कैसे फाइंड करना है, स्पैम स्कोर कैसे फाइंड करना है, DR और ट्रैफिक का मैंने बता दिया, ये आपको पेड टूल AHREF से ही लेना पड़ेगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।